हेलो एवरीवन, आज के वर्ड मीनिंग है भंजन निहारा। भंजन निहारा यानी भंग करने वाला, तोड़ने वाला। रिसाई, क्रोध करना। रिपु यानी शत्रु। बिलगाऊ यानी अलग होना। अवमाने यानी अपमान करना। लड़िकाई यानी बचपन में। परसु यानी फरसा, कुल्हाड़ी की तरह का एक अस्त्र होता है और जो परशुराम जी रखते थे पाठ में। कोही यानी क्रोधी यानी गुस्सा करने वाला व्यक्ति। महीदेव यानी ब्राह्मण। बिलोक यानी देख कर। अर्भक यानी बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है बिल्कुल, उसे अर्भक कहा जाता है। महाभट, महाभट का यहाँ पर तात्पर्य है महान योद्धा, महान योद्धा। मही यानी धरती। कुठारू यानी कुल्हाड़ा। कुम्हड़बतिया, कुम्हड़बतिया एक कुम्हाड़े का बहुत छोटा फल होता है जो बहुत जल्दी मुरझा जाता है, या दूसरे अर्थ में हम इसे बहुत कमज़ोर व्यक्ति या निर्बल व्यक्ति भी कहते हैं। तर्जनी, अंगूठे के पास की उंगली को तर्जनी कहा जाता है, अंगूठे के पास वाली इस अंगुली को तर्जनी कहा जाता है। कुलिस यानी कठोर। सरोस क्रोध रहित। कौशिक विश्वामित्र। भानुवंश सूर्यवंश। निरंकुश जिस पर किसी का दबाव ना हो यानी मनमानी करने वाला। अशंकु शंका रहित, जिसे कोई शंका ना हो। घालकु नाश करने वाला। काल कवलू जिससे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो यानी मर गया हो या मृत। अबुधु यानी ना समझ। खोरी यानी दोष। हट कह मना करने पर। अक्षोभ शांत धीर, जो घबराया ना हो। बद जोगु यानी मान योग्य। अकरुण जिसमें करुणा ना हो। गाधी सुनु गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। अयमय यानी लोहे का बना हुआ। नेवारे यानी मना करना। ऊखमय यानी गन्ने से बना हुआ, ऊख का तात्पर्य होता है गन्ना। त्रिषाणु यानी अग्नि। ये मैंने आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के वर्ड मीनिंग बताए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको किसी पाठ के वर्ड मीनिंग जानने की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। Thank you for watching.